इंदौर के भवरकोल थाना क्षेत्र स्थित खंडवा रोड पर एक होटल पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पथराव कर दिया। ये कार्यकर्ता राम जन्मभूमि आयोजन से जुड़े पोस्टर फाड़ने से नाराज थे। इस दौरान होटल के अंदर तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। राम जन्मभूमि मामले में पोस्टर फाड़ने के विवाद में भवरकुआ थाना क्षेत्र के खंडवा रोड स्थित केसर लाल होटल के पास राम जन्मभूमि आयोजन स्थल का कार्यालय था। कार्यालय के बाहर लगे हुए कुछ पोस्टरों को कुछ अज्ञात लोगों ने फाड़ दिया था। इसी बात से गुस्साए कार्यकर्ताओं ने पहले होटल पर पथराव किया, फिर जमकर हंगामा मचाया और सूचना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और इसके बाद मामला शांत कराया गया। घटना में कुछ लोगों को घायल होने की भी सूचना है। फिलहाल दोनों ही पार्टी से समझौता हो गया है। किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ नहीं है। हिंदू समुदाय के लोग हैं, हम सब मिलकर राम भगवान का मंदिर बनाना चाहते हैं। कोई छोटी मोटी गलती हो गई है, उस विषय में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। हम सब हिंदू समाज के लोग हैं, आपस में बैठ के चर्चा करके इस मामले को निकाल लेंगे। थोड़ा सा विषय था, कुछ बोर्ड में उनके कोई पोस्टर लगा हुआ था तो वो निकालने का आग्रह उन्होंने किया था। उस विषय पर थोड़ी सी आपस में सब लोगों से उन्होंने समझौते के लिए बोला था कि आप निकाल लीजिए। हमने उसको निकालने का प्रयास किया, लेकिन आपस में कुछ बातचीत हुई, इस वजह से थोड़ा सा मामला था, बैठ के हम उसका हल निकाल लेंगे। पुलिस कार्रवाई की गई कुछ? पुलिस कार्रवाई नहीं की थी। भीड़ अधिक संख्या में यहाँ पे आने के कारण पुलिस प्रशासन को आना पड़ा और सब हम हिंदू भाई लोग हैं, आपस में बैठ के उसका निकालना। राम जी का फोटो नहीं फाड़ा गया है। राम जी का फोटो एक जो मंदिर निर्माण का पोस्टर लगा हुआ था वो निकाल लिया गया है। इसके बाद में रेस्टोरेंट में कोई तोड़फोड़ नहीं गई है। प्रशासन आया, प्रशासन को ऐसा लगा कि इनका भी कोई अवैध निर्माण है, इसलिए प्रशासन उस चीज़ को हटा रहा था। आपका नाम? पुष्पेंद्र सिंह चौहान। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।